कन्वीनर रहे हैं साथ में, अशोक जी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे भव्य कन्वीनर रहे हैं।
इस 40 साल में कितना, इस 46 इयर्स के अंदर कितना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ पूरे देश के अंदर भी। क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो आएंगे कहेंगे आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन। आई फील मच ऑनर्ड दैट माय स्कूल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मेरठ इज हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाय ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स to honor the respectable citizens of Meerut, UP, NCR, because as per our Indian culture, we must believe that those who have shown some high ethical efficiency or proficiency in their profession, it is our moral duty that we must honor them time to time. Today, we are very lucky that this function has been arranged in my campus. I am thankful and welcome you all. I am thankful for the principal of this school, staff, faculty members, Apex Education Trust, those who have given their full support for making this function a grand success. Wish you this function a very successful. Among guests, I see some prominent people have come. District Governor incoming, Nitin ji has come from Muradabad, Dr. Ashok Arora, and so many dignitaries on the dais are there. साधुजी, we will be fortunate enough, आपके पैर हमारे चरण कमल आपके पड़ गए हैं स्कूल में, स्कूल की बात। दीक्षित जी, who got the दादा फाल्के अवार्ड, he the only man from here who got the दादा फाल्के अवार्ड, और he the basically photographer, but his photo like very much throughout the world. Where he went there, in Switzerland, London, where it may be, he goes. His photographs, landscapes, recognized by the society at large. I request Mr. Jayan Dixit Ji to enlighten us for humanity and peace. सबसे पहले मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ और अपने परम पूज्य श्री भवानी शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ इस मंच को याद करते हुए। आप सभी का बहुत अभिनंदन। सबसे पहले बात होती है कि हमारे दर्शक कितने हमें पसंद करते हैं जो आते हैं, इसलिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम को देखने आए हैं, मेरी शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया है लेकिन आई डू बिलीव माई वर्क। मैंने कभी अपनी आपकी पब्लिसिटी या ऐसी कोई बात नहीं करी कि जिससे मुझे कुछ ज़्यादा फायदा हो। मेरा काम बोलता रहता है। पिछले 50 वर्षों से मैं इस फोटोग्राफी में लगा हुआ हूँ। 40 वर्ष मैंने फिल्म रंग बॉम्बे में गुजारे हैं। तो मैं छोटा सा आपका परिचय दे रहा हूँ। 1984 में मैंने माधुरी दीक्षित का सबसे पहले फोटो शूट किया था उसके घर पर, पुरानी घर पर। आज वो बहुत बड़ी हीरोइन है। फिल्म आने से पहले कंगना रनौत का मैंने 2004 में फोटो शूट किया दिल्ली में, आज वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है। 1976 में हमारे मेरठ के अरुण गोविल जी जो राम बनते हैं उनका फोटो शूट किया, वो भी आज सुपर हैं, इंटरनेशनल फिगर हैं। बहुत सी ऐसी हस्तियाँ हैं, दीप्ति भटनागर हैं, और मैं नाम लूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मुझे एक इतिहास याद आ रहा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमन कुमार जी जो फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, 1984 में वो एक फिल्म बना रहे थे, दिल परदेसी हो गया। बाय द वे मैं उन दिनों बॉम्बे में था
उन्होंने मुझे कॉल किया कि चार मॉडल मैंने सुपर मॉडल बुलाए हैं, उनको शूट करना है और आज मुझे हीरोइन चाहिए शाम तक। किसी ने कह दिया होगा कि आज अगर आप हीरोइन बुलाएंगे साइन करेंगे तो शायद आपकी फिल्म हिट होगी। तो मैंने सुबह 11 बजे उसका शूट किया, चार मॉडल थे, और शाम को मैंने 7 बजे सलोनी नाम की हीरोइन को साइन करा दिया था एज ए हीरोइन। फर्स्ट टाइम कोई कभी इंडस्ट्री में ना हीरो बना ना हीरोइन बनी, मतलब स्ट्रगल करने के बाद ही सब कुछ मिलता है। हमारे बीच अमिताभ बच्चन साहब ने कितना स्ट्रगल किया है, आज वो बहुत सुपर है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बम्बई में जाके इतिहास रचा। बाकी मेरे जो क्रिएटिव फोटोग्राफी है उसकी एग्जीबिशन MDA में लगाई हुई है स्थायी रूप से, जब कभी आपको समय मिलेगा आप जरूर देखिएगा, फिर मेरी तारीफ होगी कि बाकी मैंने अच्छा काम किया और आप लोग भी सुनूंगा तो मुझे खुशी होगी। बाकी ये 1982 में मुझे सबसे पहले मेरा चंद्र अवार्ड दिया था जब हमारे भविनीत शर्मा जी थे, तो मैं आज तक उस इज्जत को बनाए हुए हूँ। और प्रकाश निधि शर्मा जी ने मुझे UP अवार्ड भी दिया, UP रत्न अवार्ड लखनऊ में, तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं और छांट छांट के हर साल मेरे सदन से उनका नवाजते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, एक एडवाइस भी है एक मैसेज भी है कि अच्छा अच्छा कार्य करिए। हर किसी के नियर डियर फ्रेंड्स और कॉलेज के लोग हैं, लेकिन हम लोगों का काम 46 वर्षों से चल रहा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ ब्रजमोहन जी का और संदीप गोयल जो हैं नेशनल सुरक्षा संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने UP रत्न से सम्मानित किया है। ये अवार्ड तो एक कॉमा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं उसकी इतनी गरिमा बढ़ाई अपने पद की, अपने क्षेत्र की आपने कितनी गरिमा बढ़ाई, इसका साक्षात उदाहरण संदीप है, ज्ञान दीक्षित जी का, रघुनंदन साहब का है, इनके फैमिली के बच्चे विदेशों में हैं और ये हिंदी भाषी नहीं गए, ये बेंगलोर में कर्नाटका के बोली जानते थे, ना हिंदी जानते थे ना इंग्लिश जानते थे, इवन है प्रोग्रेस करके अपने को सॉलिड सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने अपना व्यक्तित्व को निखारा। मेरे साथ आप मॉरिशस भी गए, मलेशिया भी गए, और जहाँ हम लोग इस टाइम फंक्शन कर रहे हैं चंडीगढ़ में, पंजाब में, UP में, ये हमको साथ रहे, वो हमारे साथ लगे रहे जो आज इतना बड़ा एम्पायर सुभारती उन्होंने खोला है। आज कृष्णमूर्ति उनके लड़के को हम आज मेरठ की उपाधि से नवाजेंगे, के साथ स्ट्रगल हुआ है 40 ईयर्स का, इस तरह हमने अपने सामने देखा होता। ऐसे ही अशोक जी को मालूम है जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में हम गए वहाँ स्पेसिफिक आपने वी कम फ्रॉम मेरठ, बिकॉज द मेरठ इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड, पहली जंग आज़ादी मेरठ से स्टार्ट हुई और आई एम प्राउड, आई एम बॉर्न इन मेरठ, आई एम वेरी मच प्राउड, क्योंकि मेरठ वो जगह है यहाँ से क्रांति की ज्वाला उठी, चाहे मेडिकल कॉलेज जब बना तो कितने डॉक्टर्स ने यहाँ से, अतुल वैद्य मुझे याद है 79 के अंदर जब पढ़ते थे वो हजारों डॉक्टर्स मेरठ के अंदर प्रफुल्लित हुए, तो आसपास के वेस्टर्न UP में कोई डॉक्टर्स का पूछता था तो उस टाइम मेरठ ने कैलाश प्रकाश जी को जिन्होंने और भगवत सिंह शर्मा जी को जिन्होंने उस टाइम मेरठ के अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनवाया। बहुत सारे लोग तो ये भी याद होगा जब दिल्ली आती थी तो आगरा से आती थी, मेरठ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बनी और आज कितनी खुशी हो रही है कम से कम मेरठ के अंदर ही 4-5 यूनिवर्सिटी हैं, अच्छे टीचर्स अच्छे स्टूडेंट्स को निकाल रही है जो देश का नाम आगे रोशन कर रहे हैं। मुरादाबाद से है आइए सर, अपने और अभी ये आपका सर, थोड़ा सा कंग्रेचुलेशन।
कांग्रेचुलेशन सर और एक्सेप्टेंस। मुझे पता नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ नहीं करता, बट डेफिनेटली इस अवार्ड से मुझे जो भी काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ बेहतर करने की ऊर्जा मिलेगी। फादर दयानंद गुप्ता जी ने हमारी पहली कॉन्फ्रेंस 1981 के अंदर डीएन कॉलेज में करी थी, इसलिए वी आर प्राउड टू बी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इंटेलेक्चुअल्स फॉर द 6th एनुअल फाउंडेशन ईयर 2024 एनसीआर मेरिट रिस्ट कंफर्म अपॉन मिस्टर अजय। मैं आप सभी लोगों का सर हृदय आभार प्रकट करता हूँ, आप लोग भी हो मेरे सब प्रणाम, थैंक यू। एंड भाई ताली बजती रहनी चाहिए ना। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इंटेलेक्चुअल 46th एनुअल फाउंडेशन ईयर जो है एनसीआर मेरिट रिस्ट कंफर्म अवार्ड कानन गोयल जी प्लीज, और एक ओमिशन डिस्ट्रिक्ट में सर्विस रेंडर बाय ही सोसाइटी एट लार्ज। चलिए मैं वापस साइड में सर सामने देखिए प्लीज। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा जो प्रेरणादायक आज सम्मान प्राप्त हुआ है, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी का और विश्वास दिलाता हूँ कि जो दृष्टि या इच्छा दृष्टि जो हमारे अंदर थी वो और अधिक ऊर्जा के साथ हम समाज की सेवा में आने वाले अब समय में अग्रणी रहेंगे और आपकी प्रेरणा से और अधिक कार्य इस क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णामूर्ति और भाई साहब ने जो काम किया उसके लिए हम सब लोग ऋणी रहेंगे, क्योंकि उस टाइम अगर स्वार्थी नहीं होता शायद ही इनकी जो टीम थी 15 डॉक्टर्स की टीम थी, हमारे 15 डॉक्टर भी सिर्फ दिन रात इकट्ठा करके पूरे इस देश को जो इन्होंने जो काम किया देश के लिए उस टाइम ना दिन देखा ना रात देखा, जब दूसरा कोई साधन नहीं था, लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, लेकिन आपके यहाँ पर स्वार्थी ने जो एकदम नया प्लांट स्टार्ट करके ऑक्सीजन के लिए पूरे मेरठ और वेस्टर्न यूपी को सांस दे दी, उसके लिए साधु बात है प्रधानमंत्री के और इवन भावी जी का। मैं आपका आभारी हूँ, थैंक यू। लीगल एक्ट पे इन्होंने अभी बहुत बड़ा एक रिसर्च भी किया है, साथ में सुभाटी यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में आपने कल भी एक प्रोग्राम किया ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसलिए एनसीआर मेरठ रत्न से अजय भारती जी को साधुवाद है। मेरठ की धरती के लिए आभारी हूँ, धन्यवाद। Please give a louder applause to this great achievement. This is the honor for all the sports women of this country, daughters of India. You must give once again give a louder applause, please. Thank you. Thank you. Thank you.
मैं यूपी की पहली पावर लिफ्टर हूँ और यहाँ जीजी गोयनका कॉलेज की तरफ से जो सम्मान मुझे मिला है वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल। फोटोग्राफर है ये वैसे आर्टिस्ट फाइन आर्ट्स मैं भी एक्चुअली आर्टिस्टिक फोटोग्राफर हूँ आम फोटोग्राफर नहीं हूँ मेरी एग्जीबिशन देखिए आपको पता चल जाएगा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इंटेलेक्चुअल 46 एनुअल सेलिब्रेशन ईयर एनसीआर मेरिट डजन कंफर्म मीरा जैकी आप तो पहुंची हुई चीज है मेरिट की असली हम तो मेरिट की हस्ती मानते हैं भाई ताले तो बच्चे रहने चाहिए जब तो हिंदा दिल्ली इतना बोलते हैं AICUI के सभी सम्मानित पदाधिकारियों और सभागार में सभी उपस्थित अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इस सम्मान को देने के लिए हृदय से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मेडिसिन के और उस पर काफ़ी योगदान आज तक चल रहा है अखबार में भी आ रहा है पायल देना ये बिग हैंड के थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरा फोर्थ मेरठ रत्न अवार्ड है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए मेरा नाम पहचाना जाता है। बस वाह अब ये पगड़ी बन गई है तो फिर पगड़ी देना तो हमारे में मेरठ का एक बहुत पवित्र थे आप आगे आइए ना प्लीज दिस साइड में दिस साइड में नेक्स्ट थैंक यू सो मच टू द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑल द पीपल प्रेजेंटेड ओवर हियर एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड सो ऑनर्ड लाइक आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड एंड साध्वी मैम इज आल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड शी इज अ साध्वी एंड शी इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आई रियली लाइक योर स्पीच सो मच मैम इट इज वेरी मोटिवेटिंग एंड टू द एवरीवन I am an astrologer, numerologist, graphologist, and a tarot card reader. If anyhow I would be helpful to any of you, I would be very honored. Thank you so much. Actual 46th annual celebration year 2024. NCR Merit has confirmed upon Shivaji Sangeeta Gupta ji. Special welcome. Yes, ma'am. Please. सामने देखिए ना प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए हम भूल जाते हैं। मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और मेरे माननीय बहन और भाइयों को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं दो संस्था चलाती हूँ उसमें सोशल एक्टिविटी धार्मिक सामाजिक और चैरिटी ये सब करती हूँ और मेरी धार्मिक जो संस्थान है महिला शक्ति संस्थान जिसमें 75 लेडीज हैं उनकी मैं अध्यक्ष हूँ और एक क्रिया संस्था की भी मैं अध्यक्ष हूँ।
और मैं अभी इस काम को सीख रहा हूँ। मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगता है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँ कुछ सीखता रहूँ। धन्यवाद। श्रीमती शैली तिवारी, सोशल एक्टिविस्ट, यंग अचीवर। Yes, ma'am, please. Congratulations. Very good afternoon to one and all present here, all the dignitaries on the stage. I dedicate this award to my Ist, my Gurudev, because of his blessings only this day has come into my life. And I convey my heartfelt gratitude to all the organizers and AICOI team because of their motivation. We really get a boost to do even better in our professions. And on this stage, I've been a part of great people who have achieved this award. It's a blessing for me, and I would like to share one incident with you all because I really want to convey one message to all of you with the help of that incident which happened in my life. With the blessings of my God, I have worked in all the renowned school of Meerut, and after getting married, I got chance to work in the school of Mumbai and then Delhi also. So I am sharing one incident of Mumbai when my interviewer, one principal was interviewing me, and he asked me, "Where are you from?" And when once I said I am from Meerut, he was not much aware of Meerut. He said, "Is it near Delhi?" I said, "Yes, sir, it is near Delhi." "Is it a small town?" "Because I am not aware of." "Yes, sorry, sir, I would like to correct you. It is not a small town. It is a town of talents. That's why I am sitting in front of you as a professional. I have come here, and with my working, I would definitely prove that yes, it is a city of talents." And after a few months only of my working, once when he was appreciating me for my efforts, then I reminded him, "I told you I am not from small town, I am from a town of talents." So I would request you all, whenever you give your introduction anywhere, please do not add the word "I am from small town Meerut." We are from Meerut, the city of talents. Well, this day is a proof of that. Thank you. गिव अ बिग हैंड जब आपको किसी को सम्मानित किया था। बट आपने मुझे इस लाइक समझा, और मैं यहाँ पर जैसे आप सभी को देख रही हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने वालों को आपने सम्मानित किया। और जब यहाँ पर अपने मेरठ में काम करने के बाद और मेरठ के लोग जब सम्मानित करते हैं तो बेहद खुशी होती है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं जल संरक्षण पे काम करती हूँ, मुझे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो का अवार्ड भी मिला है। और मैं यही चाहूँगी कि आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो भूमिगत जल स्तर है बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है, तो आप सभी लोग जितना हो सके कम से कम जल का उपयोग करें, और जब तक की ज़रूरत ना हो तब तक जो है उसका एक तक दुरुपयोग तो बिल्कुल भी ना करें। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे लगातार पानी बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो अभी यहाँ पे यूथ भी बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, तो उनको भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप सभी लोग जल का प्रयोग जो है जब जितना जरूरत हो उतना ही कीजिए। थैंक यू। Yes, madam, please. Sir, please. Battle. Second mother for all our kids, those who study in the Bihar, I think their job is commendable.
we don't recognize, and the teacher always teaching the children, they will never get the award. I think some of the management and All India Conference of Intellectual, they have recognized. I request Ms. Neelu Javla to come on the stage, the principal GD Goenka School, Meerut. It's an honor for all the teachers of Meerut. She's on the look. More than her kid, she takes care of the school, she comes on time, the punctuality. Guru Bhyo Namaha, Acharya Deva, God bless you always. Yes, ma'am. Now I request Ms. Sangeeta Notani, principal. Congratulations, teacher. अपना बच्चे का टिफिन बॉक्स रेडी हुआ कि पता नहीं है, लेकिन बच्चे का टेस्ट देना है, उनका मार्कशीट देना है, प्रोग्रेस देना है. Always occupied all the teachers job, because I see yes, in my house all are teachers, so I understand their pain. Mr. Sharad Agrawal, director, management is on the rock these days. I think one of the director means the head of the family, head of the nation, head of the body is most important. If the head is not positive, your branch, heart, liver, kidney will shake. Same, the head of the institute is most important, head of the family is also most important. Please give a lot of applause to director, and I am very proud, such people should be recognized. Sadhi, please. Medal. Hearty congratulations. Yeah, very nice. Double round of applause to the gentleman is there. God bless you, and I think he is showing that physically challenge is not a problem. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is no rupee fall. God bless you, beta. God bless you. And they are the inspiration for the society. And thanks to the management, especially Mr. Agarwal ji, aapne bahut badhiya kaam kiya hai. I think this is where we should understand. We come, we sit, we enjoy, we forget. The tent is also equally important. What a colorful tent you have made. What a carpet you have made. Red carpet will come, welcome to you. Give a louder applause to Mr. Saini. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अबे अमर अशोक जी एक बार डांस पे आइए. अशोक जी, शर्मा जी, शर्मा जी, अशोक साध्वी जी, ये खड़ा हो थैंक्स के लिए. All the distinguished guests who are here on the stage with us, the team of GD Goenka, the much calibrated teachers, media house who has taken out time to be here, our admin department, all the guests who are seated in this hall, and the most primarily our very dear CD sir, Dr. Bradbhushan ji, who is not only the man behind this idea to hold this program over here, also who's the one who established a vision and mission for millions and millions of minds. He has been in this profession since last 40 plus years, and he has created a platform for many people to channelize their intellect. I also would like to thank All India Conference of Intellectuals, and as Sadhvi ji has talked about the three levels of intellect here, I would also like to emphasize on the fourth one, that is being human. And that's much needed in this time. I have consistently maintained the conviction that optimal cognitive assimilation can only occur in a much calibrated space, and that is a school from where it starts.
We at Chiri Goenka are trying to make an effort to make a change. And the change with that, this legacy has started 2 years ago. I also would like each one of you to support us in this journey. Thank you very much for taking out time today. And I wish you a very happy weekend. Thank you, everyone. जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रज्ञा जी से कि श्री प्रकाश निधि शर्मा जी को पटका बना के सम्मान करें। एक मैडम अनुश्री और दूसरे मिसेज अनुश्री को सम्मानित करें। ऐसा करते हैं सब हमारे पीछे खड़े होंगे। हाँ वो ठीक है, बैठ जाइए।